देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ। पीएम नरेंद्र मोदी भोपाल एयरपोर्ट पहुंचे, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आगवानी की। कुछ मिनट यहां रुकने के बाद मोदी हेलीकॉप्टर से राजगढ़ रवाना हो गए, जहां मोहनपुरा में 38 अरब की लागत से बने डैम का लोकार्पण किया। मोदी की अगवानी के लिए राजगढ़ सज धज कर पहले से तैयार था, सभी तरह की रिहर्सल की जा चुकी थी। सभा स्थल पर सुबह से ही लोगों का पहुंचना भी शुरू हो गया था। 12:30 बजे तक पंडाल पूरी तरह भर गया था। लोग एक जैसे साफे और कपड़े पहनकर पहुंचे, वहीं महिलाओं ने भी एक ही रंग की साड़ी रखी थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज 4000 करोड़ रुपए की मोहनपुरा सिंचाई परियोजना का लोकार्पण किया। इसके साथ ही उन्होंने 3 बड़ी योजनाओं की भी शुरुआत की। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज 4000 करोड़ रुपए की मोहनपुरा सिंचाई परियोजना के लोकार्पण के साथ साथ पानी की 3 बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत करने का अवसर मिला है। राजगढ़ क्षेत्र के मेरे प्यारे भाई और बहनों, जून महीने की इस भयानक गर्मी में आप सभी का इतनी बड़ी संख्या में आना मेरे लिए, हम सभी साथियों के लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज 4000 करोड़ रुपए की मोहनपुरा सिंचाई परियोजना के लोकार्पण के साथ साथ पानी की 3 बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत करने का भी अवसर मिला। इन सिंचाई परियोजनाओं से जुड़े हर व्यक्ति को अपने सिर पर ईंटें उठाने वाले महानुभावों को, तसला उठाने वाली माताओं बहनों भाइयों को, फावड़ा चलाने वालों को, छोटी छोटी मशीनों से लेकर के बड़े बड़े यंत्र चलाने वालों को मैं इस सफलता के लिए प्रणाम करता हूँ, उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। खबर समय जगत के लिए राजगढ़ से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के।